हम लोग पार्टी की तरफ से हर जिले में प्रेस हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 9 साल बीता है, 9 साल किस तरह बेमिसाल के रूप में बीता है, वो बेमिसाल के तौर पर जो पेश हुआ है वो जानकारी देने हम आपके बीच आए हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये काम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है ये जन जन तक पहुंचे, इसी के लिए आपके बीच हम आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल से लगातार वो शासन नहीं कर रहे, वो सेवा कर रहे हैं देश का। जो पहली बार प्रधानमंत्री बने उसी समय उन्होंने बताने का काम किया कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम प्रधान सेवक के रूप में काम करेंगे और गरीब और सुशासन की बात करेंगे, गरीबों के कल्याण की बात करेंगे और साथ ही साथ विकास के काम के साथ साथ जो लगातार उन्होंने सामाजिक काम किया है, धार्मिक काम किया है, इन तमाम चीजों को लेकर के हम आपके बीच आए हैं। हम आपको कुछ विस्तार से बताना चाहते हैं कि किस तरह माननीय मोदी जी पूरे देश में विकास का काम की, विकास के काम के साथ साथ जो कोरोना महामारी आई, सर्वप्रथम हमारा जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि कैसे है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्रीय सुरक्षा में जैसे ही कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में माननीय मोदी जी ने अपने दम पर अपने देश में वैक्सीन का निर्माण कराया और 220 करोड़ से ज्यादा डोज हिंदुस्तान के लोगों को देने का काम किया और सबसे कारगर डोज हमारे इंडिया का रहा, सबसे सस्ता और समझिए कि यहाँ तो फ्री में डोज दिया गया और हम हिंदुस्तान के लोगों को डोज दिए ही, वैक्सीन दिए ही, साथ ही साथ जो वैक्सीन हिंदुस्तान में बना वो वैक्सीन हम लोग विदेशों को भी देने का काम किया। लगभग 100 देशों में हिंदुस्तान का वैक्सीन गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई महामारी आती थी, पहले आप आजादी के बाद हम समझते हैं कि प्लेग आया, हैजा आया, आपको तो नहीं उतना आइडिया होगा, जो बुजुर्ग गांव में है वो बताएंगे कि किस तरह लोग मरे थे प्लेग से, हैजा से, और हम लोगों को कोई वैक्सीन उस समय नहीं मिल पाया था। लगभग 20 साल के बाद वैक्सीन दूसरे देशों से हम लोग इम्पोर्ट के आयात करके मंगाए थे और फिर जाकर के लोग सुरक्षित हुए, धीरे 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 वैक्सीन करना शुरू हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब महामारी आया और वैक्सीन हिंदुस्तान ने अपने खुद के दम पर बनाने का काम किया और मुफ्त में वैक्सीन लोगों को दिया गया। अगर आज हम और आप जीवित हैं तो ये कहीं न कहीं माननीय मोदी जी का देन है कि जिसके वजह से हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, हम लोग वैक्सीन लेकर के सुरक्षित हैं, हमारा पूरा देश सुरक्षित है। ये बहुत ही हम समझते हैं कि सराहनीय कदम रहा है, बहुत ही बड़ा कदम रहा है जिसके कायल विदेशों में भी लोग हैं, विदेश में भी माननीय मोदी जी का इसके वजह से सम्मान है। इसके अलावे जो गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, जो स्वाभिमान बढ़ा है गरीबों का, इज्जत घर के रूप में 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान दिलाया गया है, जो हम प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावे 11.72 करोड़ इज्जत घर सुरक्षा सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, जिसके वजह से सबसे बड़ी बात है कि शौचालय के संबंध में माननीय मोदी जी का विशेष तौर पर फोकस रहा है कि आप याद करिए कि अभी से 2014 के पहले की जो स्थिति थी कि गांवों में बहुत कम लोगों के पास शौचालय हुआ करता था, हमारी माँ बहनें या तो सुबह होने से पहले शौचालय चली जाती थी या अगर मौका नहीं मिला, कहीं कोई परेशानी हुई तो दिन भर किसी तरह वो घर में काटती थी, शाम होने का इंतजार करती थी कि जब शाम होगा तब हम जाएंगे शौचालय। ये कितना कठिन काम था, ये कितना एक मतलब समझिए कि एक कितनी परेशानी वाला काम था कि हम पेट में गंदगी को रोके रहते थे कि हम कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे मल त्याग करेंगे। इन चीजों का ध्यान अगर माननीय प्रधानमंत्री जी करने का काम किया है, इससे सराहनीय काम नहीं हो सकता, इससे हमारे माँ बहनों का सम्मान बढ़ा, इज्जत बना और स्वस्थ रहने का उसमें काम किया गया कि शौचालय हर घर शौचालय बन गया है और हम समझते हैं कि अभी पूरी तरह हर ब्लॉक से जो लिया गया है वो लगभग 100% शौचालय हर जगह पहुंच चुका है। ये सबसे बड़ा काम हुआ है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी। इसके आगे नल जल की योजना, नल जल की योजना जो है
हमारे यहाँ तो खैर बिहार में कम परेशानी थी पानी की, हमारे यहाँ आप सब जानते हैं कि 10 फुट 15 फुट पे पानी मिल जाता है। ये नल जल का योजना विशेष तौर पे ऐसे राज्यों के लिए था जहाँ पानी की घोर कमी है, जहाँ 100 200 300 फुट पे पानी हुआ करता था। हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे राजस्थान से, जो हिंदुस्तान बिहार में ब्रीफ करने के लिए आए थे, तो वो विशेष तौर से बता रहे थे कि पानी की क्या कठिनाई है। अपने यहाँ तो खैर चापाकल मिल जाता था, लोग काम चल जाता था, जिसके यहाँ चापाकल नहीं था पड़ोसी के चापाकल से भी, नदी से तालाब से भी काम कर लेते थे पानी का। लेकिन राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और कई ऐसे स्टेट है उड़ीसा में, जहां पानी के लिए महिलाओं को 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर जाना पड़ता था, सर पे मटका लेके जाना पड़ता था, और ये मटका मैंने लड़की से लेकर के लड़की माँ बन जाती थी, शादी ब्याह हो जाता था, ससुराल जाती थी, बूढ़ी हो जाती थी, दादी बन जाती थी, नानी बन जाती थी, फिर भी मटका सर से नहीं उतरता था, मटका के साथ उनको जाना पड़ता था पानी लाने के लिए जहां दूर में पानी होता था। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल जल की योजना पहुंचा दी गई है। आज बिहार में भी नल जल की योजना जो है, ये भारत सरकार का पैसा है, जिसके वजह से घर घर नल का जल हम लोग पहुंचा रहे हैं। ये जल के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके अलावे 14 के पहले जिस तरह से चूल्हा पे लोग जलाने के लिए लकड़ी को जला जला के फूक फूक करके हमारी माँ बहने आंसू बहा बहा करके धुआं खाते रहती थी, धुआं पीते रहती थी, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से फोकस करने का काम किया, हम समझते हैं कि मैक्सिमम घरों में गैस चूल्हा देने का काम किया, जिसका आंकड़ा लगभग 9.5 करोड़ से ऊपर परिवार को गैस चूल्हा दिया गया, जिसके वजह से आज क्या स्थिति बनी हुई कि मुझे लगता है कि शायद ही कुछ घर बचा हो जो अभी लकड़ी पे खाना बना रहे, क्योंकि लकड़ी पे खाना बनाने से कई तरह की परेशानी होती थी। पहला तो लकड़ी कटता था, जिससे हमारे पर्यावरण पर असर पड़ता था, पेड़ पौधे लोग काटते थे। दूसरा कच्चा लकड़ी आता था, कच्चे लकड़ी को जलाने में फूक फूक करके हमारी माँ बहने परेशान रहती थी, और जब वो जलता था तो धुआं उससे इतना ज्यादा निकलता था कि अगर एक बार खाना बनाती है माँ बहने धुआं वाले चूल्हे पे, तो इतना धुआं का इफेक्ट होता था कि जितना एक डब्बा सिगरेट पीने का इफेक्ट होता है। तो ये इससे इतनी बड़ी परेशानी होती थी कि माँ बहनों को टीबी दमा इस तरह की बीमारी हो जाया करती थी। तो इन तमाम चीजों से निजात मिल रहा है, और हम समझते हैं कि आज हर घर में लगभग चूल्हा हो गया है, जो सक्षम आदमी है खुद भी परचेज कर रहे हैं। लेकिन देखा देखी सब काम होता है। 2014 के पहले ये स्थिति थी कि रेयर गांव में, आप गांव में खोजते गैस चूल्हा तो खोजने से नहीं मिलता। हम लोग भी बचपन में देखे कि घरों में माँ खाना बनाती थी तो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती थी। सहरसा में रहना शुरू किए मुझे लगता है कि 4th-5th क्लास से, तो उस समय देखते थे कि या तो कोयले पे खाना बनता था, वो भी काफी हानिकारक होता है, और फिर कुन्नी का चूल्हा होता था, तो उससे उसमें भी लकड़ी का बुरादा यूज होता है, ये लकड़ी का क्षय होता था, इन चीजों से धुआं से बचाव और ये हुआ है। इसके बाद कोरोना महामारी के बाद मुफ्त राशन बड़े पैमाने पे दिया जा रहा है गांवों में गरीबों को, वो लगभग 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त राशन। ये सबसे पंखा का है बंद कर काम कर चला दीजिए 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ परिवार को ये मुफ्त राशन दिया जा रहा है, और आगे भी मुझे लगता है कि मिलता रहेगा। और इसके अलावे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों की चिंता लगातार कर रहे हैं, गरीबों की चिंता में ये सारा काम आ रहा है कि मुफ्त राशन जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के इलाके में, गरीब इलाके में लोग बीमारी से मर जाया करते थे, इलाज का पैसा नहीं होता था। जो गरीब लोग हैं, अगर कहीं किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई, जहां 1,50,000 रुपए खर्च होता है, तो वहां काफी परेशानी हो जाती थी, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते थे, लोग नहीं लगा पाते थे, जिसके वजह से देहांत हो जाता था। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख तक का मुफ्त ये इलाज की सुविधा मुहैया कराया है, जो लगभग मुझे लगता है कि 50 लाख लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। 5 लाख तक का हर गरीब के लिए 5 लाख तक का इलाज का सुविधा, एक साल में अगर कोई परेशानी होती है तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। ये काफी बड़ी बात है, काफी गंभीर बात है।